Good afternoon, students. Let us start with the next topic, that is various committees and their responsibilities to organize a sports meet or any tournament. First of all, before discussing about the committees, you should know what is a tournament. A tournament is a competition between various teams playing a particular game according to a fixed schedule. It can be organized at zonal, district, state, national or international level. Tournament मतलब एक competition होता है जो बहुत सारी टीमों के बीच में एक schedule, fixed schedule बनाकर करवाया जाता है. ये zonal level पर भी हो सकता है, school level पर भी हो सकता है, district भी हो सकता है, state भी हो सकता है, national भी और international level पर भी हो सकता है. To organize a sports tournament, कोई भी हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अगर करेंगे इन अ स्मूथ वे, इट इज नेसेसरी टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रेपरेशन. अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड वेरियस कमिटीज आर मेड सो दैट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. सो मेनी कमिटीज वर्क अंडर इट. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स. Next is working committee, or you can say executive committee. Next is sports organizing committee. Under sports organizing committee, publicity committee, boarding and lodging committee, reception committee, decoration committee, transportation committee, ground equipment, entertainments and refreshment, official announcement committee, technical committee, medical protest committee, prize distribution committee. First is administration director sports, means ye, he is the head of the tournament. He is the in charge of all over activities. He has to conduct meetings with every committee to organize the tournament successfully. Under it, working committee or executive committee works. Executive committee mein alag alag committee ka ek member liya jata hai जो जरूरी मैटर्स रिगार्डिंग टूर्नामेंट डायरेक्टर के साथ जो है वो डिस्कस करके प्लानिंग करता है. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर जोन सा है पब्लिसिटी कमेटी. पब्लिसिटी कमेटी में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमेटी इज टू गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स थ्रू पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा. इट ऑल्सो कंडक्ट्स वेरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड सेंड टू द प्रेस. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सिटी के अंदर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट मतलब जो उनसे स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट होने जा रहे हैं तो उसका सिटी के अंदर पब्लिसिटी करे, चाहे पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट के जरिए भी कर सकता है. उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी टाइमली जो सा है वो इंटीमेट करता है. नेक्स्ट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन टू आउट ऑफ स्टेशन टीम्स ड्यूरिंग द टूर्नामेंट. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर मील फैसिलिटीज फॉर पार्टिसिपेटिंग टीम्स. आउट ऑफ स्टेशन से जो उनसे भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनके रहने का और उनके खाने पीने का जो उनसा है वो प्रबंध दिस कमेटी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी करती है. नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमेटी. द मेंबर्स ऑफ विजिटिंग टीम्स हैव फर्स्ट इंटरेक्शन विद दिस कमेटी. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकम ऑफ एवरी गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट. मतलब कि फर्स्ट जो इंटरेक्शन है सबसे पहले जब कोई टीम जहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो वहाँ पर एंटर करती है तो फर्स्ट इंटरेक्शन उसकी रिसेप्शन कमेटी के साथ होती है. तो वो वेलकम करती है पार्टिसिपेंट्स और स्टाफ का जो उसके साथ आए हों. उसके बाद उनकी जो टीम मेंबर्स की और स्टाफ की जो सी है वो डिटेल्स इकट्ठा करती है और उनको जहाँ पर उन्होंने स्टे करना है और स्केड्यूल के बारे में इन्फॉर्म करती है. नेक्स्ट इज डेकोरेशन कमेटी. दिस कमेटी लुक्स अबाउट द डेकोरेशन ऑफ द कैंपस एंड इवेंट्स. इट लुक्स अबाउट द नीटनेस ऑफ द कैंपस. मतलब कि डेकोरेशन कहाँ कहाँ पर किस चीज़ के से इवेंट के ऊपर कौन सी डेकोरेशन करनी है, कहाँ पर फ्लेक्स बोर्ड्स वगैरह लगाने हैं, उस चीज़ के बारे में ये कमेटी देखती है. ट्रांसपोर्टेशन कमेटी. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
arrangements of transport facilities for the players, teams and officials. जो बाहर की सिटीज से आ रहे हैं प्लेयर्स, उनके वेन्यू तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को, ये ट्रांसपोर्ट कमेटी के अंडर होता है. नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी. इट लुक्स आफ्टर फॉर ग्राउंड इक्विपमेंट्स वेदर दे आर अरेंज प्रॉपरली ऑन एवरी इवेंट एरिया. देयर वेट आर अकॉर्डिंग टू देयर टू द एज ग्रुप एज कैटेगरी. मतलब एज अंडर 14, 17, 19 के अकॉर्डिंग जोन सा है वो इक्विपमेंट्स एंड ग्राउंड मार्किंग्स जोन सी है वो ये कमेटी देखती है. मतलब ग्राउंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और इक्विपमेंट्स प्रॉपर वेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए. एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एंड सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स टू गेस्ट्स एंड ऑफिशियल्स एंड मेक अरेंजमेंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज. मतलब कि ओपनिंग सेरेमनी जैसे भी कोई मीट की हो या क्लोजिंग सेरेमनी हो, कौन से कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज उस टाइम होने हैं वो, और उसके अलावा गेस्ट और ऑफिशियल्स के जो से रिफ्रेशमेंट्स का. नेक्स्ट इज ऑफिशियल कमेटी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्यूटिंग वेरियस ऑफिशियल्स फॉर द इवेंट्स लाइक जजेस, रेफरी, स्कोरर, टाइमकीपर, रिकॉर्डर, क्लर्क्स एक्सेट्रा. मीन्स हर एक मैच के जजेस, रेफरी, स्कोरर, टाइमकीपर, रिकॉर्डर और क्लर्क्स वगैरह के बारे में जो सा है ये कमेटी बताती है. अनाउंसमेंट कमेटी. दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द गेम सच एज मैच अनाउंसमेंट, कमेंट्री ऑफ द मैच. कमेंट्रीज टाइमली जो सी मैचेस के अंदर होती हैं, उसके अलावा जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेयर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट्स करना, कौन सा इवेंट शुरू हो गया उसकी अनाउंसमेंट करना. नेक्स्ट इज टेक्निकल कमेटी. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल कंडक्ट ऑफ एनी इवेंट और टूर्नामेंट. इट लुक्स आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ वेरियस फील्ड्स एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स. मीन्स कि ग्राउंड्स प्रॉपर हैं, ढंग से बने हुए, उसके अलावा फील्ड्स जोन सी हैं वो प्रॉपरली मार्क्ड हैं और इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं, गेम जोन सी है वो रूल्स के अकॉर्डिंग खेली जा रही है, वो टेक्निकल कमेटी के अंडर आते हैं. मेडिकल कमेटी. देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स इन दिस कमेटी. इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स मेडिकल फैसिलिटी टू द पार्टिसिपेंट्स. मतलब कि जो भी अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए इसमें, तो ये कमेटी जोन सी है वो 24 आवर्स फैसिलिटीज देती है, मतलब पार्टिसिपेंट्स को, कि इंजर्ड प्लेयर उसमें वो क्या है अपना फर्स्ट एड ले सकता है. प्रोटेस्ट कमेटी. इन केस ऑफ एनी अपोज और प्रोटेस्ट, दिस इज द डिसीजन मेकिंग कमेटी. इट्स डिसीजन इज फाइनल टू ऑल केसेस. प्रोटेस्ट कमेटी. अगर किसी गेम खेलते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी रिजल्ट को लेकर, तो ये कमेटी जो सी है वो डिसीजन लेती है उसका, और जो इनका लिया हुआ डिसीजन है वो फाइनल होता है. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी. दिस कमेटी अरेंजेस फॉर वेरियस मोमेंटोज एंड प्राइजेज. इट ब्रिंग्स द प्राइजेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कैटेगरीज एंड एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ विनर्स. जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेयर्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स मीट में लगातार साथ साथ में ही जैसे इवेंट खत्म होता है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ ही होता रहता है, तो मोमेंटोज कितने उस जगह पर पहुँचाने, ये सारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के अंडर आता है. Thank you.